दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कैट इंडिया और डेली क्रिकेट के आईपीएल स्पेशल एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 17 मई 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज की तारीख में टाटा आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, सभी अपडेट्स को हम वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग टाटा आईपीएल 2023 से जुड़ा हर अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकेट इंडिया को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं आज की तारीख की टाटा आईपीएल 2023 के रिगार्डिंग सभी टॉप खबरों। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है टाटा आईपीएल 2023 की पॉइंट टेबल को लेकर, जहां पर आप सभी को पता है कि आईपीएल 2023 में कल एक बहुत ही जबरदस्त महामुकाबला हमें लखनऊ सुपर जेंट्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच हमें लखनऊ के होम ग्राउंड में देखने को मिला। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार यह महामुकाबला रहा, जहां पर सबसे पहले लखनऊ ने बल्लेबाजी की, मार्कस स्टोइनिस ने यहां पर छक्कों की बरसात की, जिसके चलते एक बड़ा टारगेट यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम के सामने लखनऊ ने सेट कर दिया था। लेकिन दोस्तों एट द एंड आप सभी को बताएं कि भाई आपके ईशान किशन ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की। एट द एंड महामुकाबले का रिजल्ट आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले के जस्ट बाद आईपीएल 2023 की पॉइंट्स टेबल में हमें बड़े बड़े चेंजेस यहां पर देखने को मिले हैं। जी हां, इस मैच के बाद जो आईपीएल 2023 की नई नवेली पॉइंट्स टेबल है उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली विजिबल कर पाएंगे, जहां पर भाई आप देख सकते हैं दोनों टीमों के नेट रन रेट में बड़ा फेर बदल यहां पर हुआ है। हालांकि अभी भी यहां पर दोनों टीमों के चांसेस आईपीएल 2023 के प्लेऑफ्स के लिए बने हुए हैं। बाकी सभी टीमों की स्टैंडिंग्स को भी आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, जहां पर भाई आईपीएल का अंतिम पड़ाव आ चुका है, टीमों ने सेमीफाइनल्स की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है टाटा आईपीएल 2023 में आज होने वाले महामुकाबले को लेकर, जहां पर आज होने वाला एक जबरदस्त महामुकाबला जहां पर भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे आमने सामने होने वाली है पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम। जी हां, पंजाब टीम के होम ग्राउंड धर्मशाला के स्टेडियम में हमें यह जबरदस्त महामुकाबला देखने को मिलने वाला है। पंजाब की टीम फिलहाल डू एंड डाई सिचुएशन में है, आपकी सेकंड टीम यहां पर प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह से रूल्ड आउट हो चुकी है, जिसके चलते पंजाब की टीम यहां पर पूरी तरह से इस महामुकाबले में अपनी अच्छी तैयारियों के साथ उतरने वाली। यदि यहां पर पंजाब की टीम इस मैच में हार जाती है तो प्लेऑफ की रेस से बिल्कुल पूरी तरह से रूल्ड आउट हो जाएगी, टीम फिलहाल डू एंड डाई सिचुएशन में, जिसके चलते आज होने वाले महामुकाबले में हमें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में भी काफी सारे बड़े बड़े चौंकाने वाले चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे यहां पर दोनों ही टीमों के रिगार्डिंग हमें किसी भी टाइप का कोई भी फर्दर अपडेट देखने को मिलता है तो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है टाटा आईपीएल 2023 के प्लेऑफ्स की रेस को लेकर, जहां पर टॉप चार में आने के लिए टीमों के बीच बड़ी जद्दोजहद, बड़ी रेस यहां पर जारी है। फर्स्ट टीम आपकी गुजरात टाइटंस हो चुकी है, जिन्होंने ऑलरेडी यहां पर 18 पॉइंट्स के साथ आईपीएल 2023 के प्लेऑफ्स में बिल्कुल सेफली क्वालिफाई कर लिया है। बाकी तीन स्लॉट्स के लिए फिलहाल एक बहुत ही बड़ी जंग जारी है, जहां पर भाई आपकी एक मुंबई इंडियंस टीम की जगह भी अब यहां पर लगभग कंफर्म सी नजर आ रही है। चेन्नई सुपर किंग यदि अपने नेक्स्ट महामुकाबले में जीत जाती है तो सीएसके टीम भी यहां पर डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन नंबर 4 स्पॉट को लेकर उसके बाद भी यहां पर बड़ी जद्दोजहद, बड़ी कंट्रोवर्सी, बड़ी रेस यहां पर जारी रहेगी, जहां पर आपकी पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जेंट्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर सभी टीमें फिलहाल रेस में बनी हुई है, जिसके चलते आईपीएल 2023 के प्लेऑफ्स का सिनेरियो फिलहाल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है एशियन क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी एशिया कप 2023 को लेकर, जो हमें इस साल के अंत में वर्ल्ड कप से जस्ट पहले देखने को मिलने वाला है। आपके वेन्यू को लेकर लगातार यहां पर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। नियमों के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास साल 2023 में होने वाले एशिया कप की होस्टिंग राइट्स है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान जाने से क्लीन एंड क्लियरली इनकार कर दिया था, जिसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी यहां पर चली है। आपको बताना चाहूंगा कि भाई यहां पर आप जो लेटेस्ट अपडेट हमें देखने को मिला था उसके मुताबिक ऐसा बताया गया था कि भाई हमें किसी न्यूट्रल वेन्यू पर एशिया कप 2023 देखने को मिलेगा, लेकिन उससे यहां पर आपका बांग्लादेश और आपकी पाकिस्तान दोनों टीमें फेवर में नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते मामला यहां पर फिलहाल थोड़ा सा पेचीदा हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहां पर एसीसी यानी
यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने खुद ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया है कि नेक्स्ट वीक एसीसी की एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिस मीटिंग के बाद एशिया कप 2023 के फाइनल वेन्यू को ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर रिवील कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग की टीम को लेकर। जी हाँ, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, महेंद्र सिंह धोनी अभी फिलहाल इस टीम का हिस्सा है और भाई लोग जिस तरह से उनके गेम को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि भाई ये उनका अंतिम आईपीएल एडिशन है। लेकिन सीएसके सीईओ ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट रिवील की है, एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है, जहां पर उन्होंने ऐसा कंफर्म किया है कि महेंद्र सिंह धोनी हमें नेक्स्ट एडिशन में भी खेलते हुए नजर आ सकते, लेकिन उसके ऊपर वो बिल्कुल 100% श्योर यहां पर नजर नहीं आए थे। केवल उनका ऐसा मानना था कि भाई नेक्स्ट एडिशन में भी वो सीएसके टीम का साथ हमें देते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग की टीम के रिगार्डिंग, और खबर निकल कर आ रही है इस टीम के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बेन स्टोक्स को लेकर, जहां पर बेन स्टोक्स ने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि आईपीएल 2023 के प्लेऑफ्स के महामुकाबलों के लिए वो इस टीम को अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे, जिसके चलते आपको पता है कि भाई ऑलरेडी यहां पर बेन स्टोक्स ने इस टीम को बहुत ही बड़ा चूना लगाया। केवल मतलब 3-4 मैच इस टीम के लिए खेले हैं, इंजरी की वजह से बाहर रहे थे, उन्होंने खुद रेस्ट ले लिया, फिर उनको प्लेइंग 11 में मतलब उनकी जगह नहीं बन पा रही, जिसके चलते ऑन द बेंचेज वो हमें यहां पर नजर आए थे। लेकिन दोस्तों अब यहां पर बेन स्टोक्स ने प्लेऑफ्स से खुद को बाहर कर लिया और डेफिनेटली उनकी प्लेऑफ्स की सैलरी भी यहां पर कटने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 को लेकर, जहां पर आपको पता है भाई शेड्यूल वर्ल्ड कप का शेड्यूल हमें एडिशन की शुरुआत से लगभग 4-5 महीने 6-7 महीने पहले ही देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अब की बार यहां पर वर्ल्ड कप का शेड्यूल अभी तक रिवील नहीं किया गया, जिसके बाद वर्ल्ड कप फैंस लगातार यहां पर कमेंट्स कर रहे हैं, लगातार उनके सवाल आ रहे हैं कब आएगा यहां पर वर्ल्ड कप का शेड्यूल। तो ऐसे में यहां पर बीसीसीआई ने खुद ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि एक ग्रैंड इवेंट बीसीसीआई करने वाले, उस इवेंट के दौरान ही वर्ल्ड कप 2023 का पूरा शेड्यूल रिवील किया जाएगा। तो दोस्तों आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।